नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ किशोर। और क्या आपके दिमाग में कभी भी ये विचार आया है कि क्या होता अगर हम सबके चंदा मामा पृथ्वी से 384,400 किलोमीटर दूर तो दूर की बात है, पर अगर इनकी कभी पृथ्वी से मुलाकात ही नहीं होती तो क्या होता। वेल, सरल शब्दों में कहूँ तो अगर चांद पृथ्वी से 4 बिलियन साल पहले मिला ही ना होता तो क्या इसका पृथ्वी या पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों पर कोई फर्क पड़ता। या फिर यूं कह सकते हैं कि क्या धरती पर रहने वाले प्राणियों की उत्पत्ति के पीछे चंदा मामा का हाथ। और अगर आज सडनली चंदा मामा गायब भी हो जाए तो इसका हमारी जिंदगी एंड पृथ्वी के वातावरण पर क्या असर पड़ेगा। ओफो, वेल दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे हो गए, पर अब बारी है इन सवालों के उत्तर जानने की। तो दोस्तों, इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको इस वीडियो में। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर हम धरती वासियों के लिए चांद का होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो फिर देर किस बात की, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चांद अपने प्रकाश से पृथ्वी को रोशन करता है, पर जब यहाँ पर चांद के ना होने की बात हो रही है तो चलो ये भी जान लेते हैं कि चांद के अलावा भी और कोई प्लेनेट है क्या जो रात को चमकता है। तो इसका जवाब है जी हाँ, और वो है वीनस, जो अक्सर चांद के आजू बाजू में चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। पर वीनस चांद के मुकाबले 2000 गुना कम ब्राइटर होता है, तो ये पृथ्वी को प्रकाशित नहीं कर सकता है। वैसे आज के आधुनिक जीवन में हमारे पास अनेक ऊर्जा के स्रोत एंड लाइटिंग तकनीकें हैं जिससे हम कुछ ही सालों में पूरी पृथ्वी को ही रोशन कर सकते हैं। पर यहाँ पर चांद के इम्पोर्टेंस की बात हो रही है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर चांद नहीं होता तो जहाँ पर एक दिन 24 घंटों का होता है वही यहाँ पर एक दिन जैसे 12 घंटों का होता, और इस हिसाब से एक साल में लगभग 1000 से भी ज्यादा दिन होते, क्योंकि चांद अपनी ग्रेविटी या फिर गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से पृथ्वी के घूमने या फिर चक्कर लगाने की गति को काफी हद तक धीमा कर देता है, और समय गुजरने पर दिनों में काफी घंटों का फर्क आ जाता है। और अगर ऐसा हुआ तो समुद्रों के पानी का लेवल भी कम होकर एक तिहाई रह जाएगा, और इसके अलावा हमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी देखने को नहीं मिलेगा। अब ऐसे में हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं जो सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर सके। पर चंदा मामा की कमी के कारण होने वाले ये बदलाव तो कुछ भी नहीं है, असली संकट का रूप तो ये है जो मैं अब बताने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों, पृथ्वी अपने आधार पर 23.5 डिग्री टेढ़ी है, और इसी वजह से हमारी पृथ्वी पर मौसम में बदलाव होता है और हमें सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम दिखाई देते हैं। पर ये पृथ्वी टेढ़ी होने के बावजूद भी अपने आधार पर बैलेंस बनाई हुई है, और ये सिर्फ चांद एंड सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही संभव हो पाया है। अब यहाँ पर अगर चांद ही गायब हो जाता है तो हम पृथ्वी को टेढ़ा होने के बावजूद भी अपनी जगह पर स्थिर रखने वाले सबसे शक्तिशाली ग्रह को खो देंगे, और अब केवल एक साइड से सूर्य की ग्रेविटी का असर ही पृथ्वी पर रहेगा, और इस वजह से पृथ्वी चारों ओर हिलने लगेगी, और अब पृथ्वी पर ठंडी, गर्मी, बरसात कुछ भी नहीं हो पाएगा, और पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ने एंड चक्कर लगाने की स्पीड बढ़ने की वजह से ये मौसम पलक झपकने की देरी में आकर भी चले जाएंगे, और हर घंटे में तापमान ऊपर नीचे होते रहेगा। अंदाजा लगाए तो दिन में लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा एंड रात में -22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, और ये सारी घटना हमें मजबूर कर देगी अनेक मुसीबतों का सामना करने के लिए, और केवल वही प्राणी जीवित बच पाएंगे जो ऐसी कठोर परिस्थिति के माहौल के हिसाब से खुद को ढाल सके एंड स्ट्रगल कर सके। और वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये माहौल ज्यादातर प्राणियों की प्रजातियों को खत्म ही कर देगा, पर हम इंसान खुद को बचा पाएंगे क्योंकि आज का इंसान काफी आधुनिक हो गया है और कई सारी टेक्नोलॉजीज है जो ऐसे माहौल में इंसानों को सर्वाइव करने में हेल्प करेगी। पर अगर आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले चांद पृथ्वी से मिला ही नहीं होता तो आज यहाँ पर हम होते ही नहीं, क्योंकि जब आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले पृथ्वी एंड चांद नए नए बने थे तब पृथ्वी के चक्कर लगाने की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी, और उस समय चांद धरती के काफी करीब था, यानी आज के मुकाबले लगभग आधी दूरी पर था, और इसी वजह से चंदा मामा अपने गुरुत्वाकर्षण बल का ज्यादा प्रभाव पृथ्वी पर डाल पाए और पृथ्वी के घूमने की स्पीड को काफी हद तक धीमा कर पाए, और इसी वजह से पृथ्वी पर मौसम में बदलाव होना शुरू हुआ और ऐसा वातावरण बन पाया जिससे जन्म ले पाए जिंदगी के मॉलिक्यूल्स आरएनए और डीएनए, जिस पर पृथ्वी का सारा जीव आधारित है। और इन मॉलिक्यूल्स की विशेषता यह है कि इनको पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढालने में समय लगता है, और यही सब हमारी पृथ्वी अकेले नहीं कर पाती। अगर चांद एंड पृथ्वी का मिलन ही नहीं हुआ होता तो ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो दोस्तों, अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि चांद का हम सब के जीवन में कितना महत्व है, और अगर चांद अचानक से गायब हो जाएगा तो क्या से क्या हो जाएगा देखते देखते। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना यार। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग टॉपिक पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले। तो दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। धन्यवाद।